नमस्कार दोस्तों। तो आज का किस्सा कुछ यूँ है दोस्तों कि आज सुबह मैंने एक वीडियो पोस्ट की। ये हैं श्री नाहर सिंह जी। ये हमारे एक पेशेंट हैं जो डिस्पेंसरी पे सुबह आए, और सब अगर आपने इनका वीडियो नहीं देखा है, केस नहीं सुना है, तो सबसे पहले इनका ये केस सुन लीजिए। जिंदपुरा। अच्छा, जिंदपुरा से हैं। क्या, क्या 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 दिक्कत थी आपको? मुझे पैर से बिल्कुल न चलिया जाए, तो भैया बैठ हो जाए, लेटरी करी जाए। अच्छा, और अब मेरे कोई परेशानी आ जाए। वही शाबाश, क्या बात। और देख, मैं टीम पर चल रहा, 4 साल है यही। 4 साल से चल नहीं पाते थे। 4 साल से मैं बिल्कुल बैठना नहीं, और वो नहीं यार। लेकिन करेगा वो परेशान नहीं जाता। हाँ, बाबा कर रहे हो, आप बैठनी थी मैं। अब संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हूँ। बड़े भाई को उनके पास रख गए, उनके आशीर्वाद दे रहे हो, कहते ठीक कर दो। तो देखा आपने, ये इनका केस था जो सुबह मैंने दिखाया। ये इनका फॉलो अप है, एक्चुअल में थर्ड फॉलो अप है। ये 4 साल से परेशान थे, बिल्कुल लेमनेस थी, चल नहीं पाते थे, बिल्कुल टेढ़े टेढ़े और घसीट के पैर को चल पाते थे। पैर बिल्कुल वज़न नहीं लेता था, धीरे धीरे हालत बिगड़ती जा रही थी। इन्होंने बहुत जगह अपने खुद को दिखाया, इनकी बहुत सारी हिस्ट्री रही है एलोपैथिक मेडिसिंस की। होम्योपैथिक भी चली है इनकी, एलोपैथिक भी चली है, लेकिन किसी भी दवा से कोई आराम इनको नहीं मिल पा रहा था। तो जब ये मेरे पास आए, तो उस दिन मैंने इनकी जो हिस्ट्री ली, वो मैं अब आपको आगे दिखाता हूँ। उसमें मैंने क्या क्या देखा, और फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। तो ये है उनका फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन जो मैंने लिया था। उसमें पेन एंड स्टिफनेस इन बोथ नी जॉइंट ये लेके आए थे, बायलेटरल दोनों साइड में था। और इसके साथ में जो ये कंप्लेन मुझे बता रहे थे, वो बता रहे थे डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, पेट भरा भरा, पेट फूला फूला लगता है, पेट में गैस बनती है। हमेशा ऐसा होता है कि जब भी ये दर्द की बात करते थे, तो ये साथ में गैस की बात करते थे। और उन्होंने बताया कि इतनी प्रोलॉन्ग इनकी हिस्ट्री रही है। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर हमारी सरकारी डिस्पेंसरी पर कई मरीज होते हैं, तो लंबा केस लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए पिछले एक कुछ समय से मैं पेशेंट्स के अंदर जो वो स्वयं से देते हैं, सामने से मिलने वाले सिम्टम को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। ये मैं क्यों दे रहा हूँ, इस पर किसी और दिन मैं एक वीडियो बना दूँगा। डॉक्टर हनीमैन ने जिस तरीके से सिंपल केस को लेने की बात कही है, मैं उसी को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। और जिस पर पेशेंट स्ट्रेस डाल रहा है, देखिए मैंने वहाँ पर लिखा भी है, पेशेंट स्ट्रेसेस ऑन, इसमें आपको दिखाऊँ यहाँ पर, ये जो ये लिखा है पेशेंट स्ट्रेसेस ऑन, किस में स्ट्रेस दिया इन्होंने, इन्होंने दिया डिफ़िकल्टी ऑन वॉकिंग। स्पेशली इस तरह की बात कर रहे थे जैसे लंगड़ापन आ गया हो, लेमनेस आ गई हो, बिल्कुल। और इन्होंने चल के भी दिखाया था, वो रिकॉर्डिंग में नहीं कर पाया, उन्होंने चल के भी दिखाया किस तरीके से उनको स्टार्टिंग में था। और जब जब इन्होंने इसकी बात करी, तो दूसरा स्ट्रेस दिया इन्होंने ऑन गैसेस, गैसेस फॉर्मेशन एंड डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन पे। तो यहाँ से मैंने स्ट्रेस दिया, और इसी को ही मैंने रूब्रिक में कन्वर्ट करने की कोशिश की। मैंने हंट किया एक रूब्रिक जो आपको भी आसानी से मिल जाएगा, एक्सट्रीमिटी लेमनेस एकम्पनीड बाई कंप्लेंट ऑफ एब्डोमेन, सिर्फ एक सिंगल रूब्रिक मैंने लिया। मैं पिछले कुछ समय से इसी तरह के रूब्रिक हंट करता हूँ, और इन्हीं के बेसिस पे निकालने की कोशिश करता हूँ। और लकीली मुझे वहाँ पे एक रेमेडी मिली, सिंगल रेमेडी कार्बोवेज, जो इनकी हर चीज़ को मैच कर रही थी। और बिना कुछ सोचे समझे मैंने ये दवा 9 तारीख को इनको दे डाली। अब नेक्स्ट फॉलोअप देखते हैं इनका। उसके बाद नेक्स्ट फॉलोअप जो लेके आए, ये मुझे लेके आए 30 तारीख को, और इन्होंने काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट बताया। जो इनका वर्जन था उस टाइम पे, इन्होंने मुझे 70% इम्प्रूवमेंट बताया था आफ्टर ऑलमोस्ट 20 डेज। 21 डेज की मेडिसिन खाने के बाद इसको 70% इम्प्रूवमेंट हो गया था। आज जो ये आए हैं, तो इन्होंने 100% इम्प्रूवमेंट बताया है, और आज
आज है तारीख 19 को इन्होंने 100% इम्प्रूवमेंट न कि बताया बल्कि करके दिखाया, इन्होंने वर्जिश करके दिखाई, इन्होंने चल के दिखाया, जो भी कुछ है वो सब आपके सामने है। तो होम्योपैथी इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, सिर्फ आपको स्ट्रेस करना है क्या इम्पोर्टेंट है, पेशेंट क्या वर्जन किस चीज़ पे वजन दे रहा है, पेशेंट के वर्जन में क्या इम्पोर्टेंट है, एट विच पॉइंट पेशेंट स्ट्रेसेस अपॉन, ये आपको हंट करना है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी एक नए किस्से के साथ, चाहे वो क्लिनिक का हो या पुराने मास्टर्स का। अब हम कुछ दिन हम एजुकेशन इसी हिसाब से लेंगे, किस्सों के हिसाब से। चलिए आज के किस्से में इतना ही, तब तक के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।